वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ में 56 परीक्षा केंद्रों पर हो रही PET परीक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्राइवेट एजेंसी हायर की गई हैं, जो मेटल डिटेक्टर से परीक्षार्थियों की चेकिंग कर रही हैं, ताकि गुपचुप डिवाइस से ले जाने वालों पर नकेल कसी जा सके। बेल्ट, पर्स, घड़ी, मोबाइल फोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा में ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस ने भी सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा है। मेरठ में आज और कल 4 पालियों में होने वाली PET के लिए 1,18,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 तक परीक्षा होगी। 8 जोनल मजिस्ट्रेट, 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 70 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था संभालने के लिए मेरठ को 19 सेक्टर में बांटा गया है और हर सेंटर के बाहर एक दरोगा, दो महिला पुरुष सिपाही और 2 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। DN कॉलेज के शिक्षक नागेंद्र तोमर ने दी जानकारी, देखिए रिपोर्ट। मैं चाहूंगा कि किस तरीके से इस बार बेहतर इंतजाम है। इस बार बेहतर इंतजाम इस दृष्टिकोण से है कि जो किसी भी प्रकार की, अगर कोई एक प्रचारी ये सोचता है कि मैं जो नकल कर लूंगा तो वो शायद संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसकी चेकिंग के लिए यहाँ पर प्राइवेट कंपनी हायर की हुई है, जो उनकी पूरी तरह ये डिवाइस ली हुई है उन्होंने, मेटल डिवाइस, इससे वो पूरा चेकिंग कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त किसी भी जो अंदर शिक्षार्थी है उनको भी किसी प्रकार का जो है वो इनिबिलेटर्स को अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन वगैरह। और अंदर भी बहुत पुख्ता इंतजाम है, उनकी अंदर भी चेकिंग हो रही है, इसीलिए इनको 2 घंटा पहले बुलाया गया है ताकि इनकी और भी सघन तलाशी हो सके और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करा ली जाए। 2 घंटे का एग्ज़ाम है ये, 10 से 12 तक रहेंगे यहाँ। और बाहर जो है, बाहर की व्यवस्था देखने के लिए पुलिस प्रशासन के हाथ में है, अंदर की जो व्यवस्था है उसे जो है शिक्षा, जो स्कूल के अध्यापक वगैरह वो देख रहे हैं। तो डिवाइस क्या क्या, और मोबाइल, और मोबाइल, पर्स और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ तक कि घड़ी और बेल्ट, ये भी अलाउ नहीं है। तो बहुत ही पुख्ता जो है इंतजाम किए गए ताकि इसकी पवित्रता और शुचिता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह ना लग सके। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।